वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल एंड आई एम रुचि। सो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आपके साथ ब्लैक हेयर पे एक ऐसी रेमेडी लेकर के आई हूँ जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाली है आपके सफ़ेद हेयर के लिए, क्योंकि आपके जितने भी सफ़ेद हेयर है, चाहे जड़ से हों चाहे हाफ एंड हाफ हों, वो सबको दूर कर देगी। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं करनी है, बिल्कुल घरेलू चीज़ें आपको 100% ऑर्गेनिक एंड बिना केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी है। सो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है, इसका प्रोसीजर कैसा है, कैसे लगाना है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए हर एक स्टेप को, ताकि आपके बाल हमेशा के लिए सफ़ेद से काले हो जाएं और कभी सफ़ेद ना दिखें। तो वीडियो में न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पैक बनाने के लिए आपको लेना है यहाँ पे ब्लैक हीना पाउडर, यानी कि 2 चम्मच ब्लैक हीना पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड किए। ब्लैक हीना पाउडर 100% ऑर्गेनिक एंड नेचुरल होते हैं, पेस्टिसाइड एंड प्रिजर्वेटिव फ्री होते हैं। आप बिना किसी डाउट के, बिना विदाउट केमिकल के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हेयर में। एंड आपको इसमें केवल ओनली ओनली वन चीज़ इसमें ऐड करनी है, ओनली एक चीज़ इसमें ऐड करनी है, जिससे कि आपके बाल तुरंत ही काले हो जाएंगे। चाहे आपके जड़ से सफ़ेद बाल हों या फिर आपके अभी निकलने शुरू हुए, या फिर आपके हाफ एंड हाफ बाल हो, यानी कि आधे काले और आधे सफ़ेद बाल हो। सो इसमें हमें क्या ऐड करना है, इसमें आपको ऐड करना है आंवला। लेकिन आपको आंवला किस तरीके से ऐड करना है, सो गाइज आपको यहाँ पे आंवला जूस का इस्तेमाल करना है। आंवला जूस, आंवला पाउडर हर सीज़न में मिलते हैं, इसे बिल्कुल ईजिली आप ले सकते हैं। आप इसे किसी भी अपने नियर जनरल स्टोर से ले सकते हैं, ग्रोसरी शॉप से ले सकते हैं, मॉल से ले सकते हैं, या फिर इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। मैंने इसे ऑनलाइन परचेज किया है, ये 300 ml का है और ये हमारे इम्यून सिस्टम, यानी हम इसको पी भी सकते हैं, हम इसे बालों में भी लगा सकते हैं, हम इसे स्किन में भी लगा सकते हैं। ये तीनों तरीके से हमारे मतलब चीज़ में काम करता है, चाहे आप स्किन के लिए करें या फिर हेयर के लिए करें या फिर आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए करें, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आंवला जूस हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आंवला जूस हमारे बालों को ट्रीट करता है, पोषण देता है। ट्रीट करने के लिए, ये हमारे बालों को काला करने के लिए ट्रीट करता है, ये हमारे बालों को नरिश करने के लिए ट्रीट करता है, एंड एवरीथिंग ये हमारे बालों को बहुत ही अच्छा सा कलर देता है, काला डार्क जो ब्लैकेस्ट कलर होता है वो देता है। तो आपको इसमें इतना ऐड करना है कि ये अच्छे से पेस्ट इसका रेडी हो जाए और विदाउट लम्स के, एंड बिल्कुल थिक पेस्ट नहीं चाहिए क्योंकि हमें बालों में से लगाना है। सो आपका जो ये कंसिस्टेंसी होनी है वो थोड़ी सी लिक्विड सी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वैसी नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा थक्की सी हो जाए, क्योंकि थक्की जब हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा आपकी थिक हो जाएगी ये, तो ये आपके बालों में अच्छे से स्प्रेड नहीं होगी और पूरे बालों में ये लग भी नहीं पाएगी। सो आपको इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना है, ध्यान रखिएगा इसे अपने बालों की जड़ों में अप्लाई करना है आपको। तो इसको अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। सो गाइज आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, बस परफेक्ट हमारा पैक रेडी हो गया। अभी से अपने बालों की जड़ों में और स्कैल्प में अच्छे से आपको लगा लेना है। अगर आपका क्वांटिटी, आप अपने बालों के अकॉर्डिंग इसको लेना है, आपके बाल थोड़े लंबे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग लीजिए, छोटे हैं तो उसके अकॉर्डिंग लीजिए। बाल पहले आपको इसको पैक को बालों में अच्छे से रूट्स में लगाना है, देन उसके बाद अगर बचता है उसके बाद आप इसको अपने स्प्लिट्स में लगा सकते हैं, आप अपने हेयर में लगा सकते हैं। सो सबसे पहले हमें ध्यान ये देना है कि हमें अपने रूट्स में इसका इस्तेमाल करना है। और आप देखेंगे, आप जब वॉश करेंगे तो आपके कई लोग कहते हैं ऐसा वॉश करने के बाद हमारा जो जो हम पैक लगाए रहते हैं, जब देखने में तो ब्लैक लगता है और वॉश करने के बाद निकल जाता है। सो ऐसा कुछ नहीं होगा, इसको लगाने के बाद आपके बाल में से ब्लैक बिल्कुल नहीं निकलेगा और ना ही आपके बाल काले से सफ़ेद होंगे, आपके बाल काले ही रहेंगे। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो और बिल्कुल कम रेमेडी के साथ इफेक्टिव चीज़ें मैंने आपके साथ बिल्कुल 100% नेचुरल चीज़ें बताई हैं। यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर दोनों कीजिएगा। चैनल में न्यू है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और भी अच्छी अच्छी आपको वीडियोज़ देखने को मिले एंड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल प्रेस को, आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं यहाँ पर एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।